बताया कि वेट कलर अवॉइड करना चाहिए। वेट कलर में जो रेड ग्रीन कलर हो जाता है तो कि स्किन से इजीली जाता भी नहीं, और जनरली ये कलर्स मेटलिक होते हैं और इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। होली पर लोगों को अपने स्किन से कुछ ख्याल रखना चाहिए और किन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, बचपन से ही हम लोग जब ऐसे लिखते थे तो होली जो फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, तो इसमें जो ग्रोन अप हो या बच्चे सभी होली का वेट करते हैं। और एज अ स्किन डॉक्टर अगर मैं कह दूँ कि आप रंगों से ना खेले, सेफ रहे, तो गलत होगा। तो आप होली खेलिए, आप सेफली खेलिए। अभी जो मार्केट में अवेलेबल कलर है, सिंथेटिक कलर, मेटेलिक कलर, वेट कलर, इसको अवॉइड कीजिए। आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कलर यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली मिल रहा है। और पानी से तो आप एनी टाइम खेल ही सकते हो। अभी भी होली में 3 से 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। अभी से आप लोग जो डेली स्किन प्रोटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं वो है मॉइस्चराइजर। पूरे बॉडी में स्पेशली एक्सपोज पार्ट जो है आपका फेस, नेक, हाथों का हिस्सा, पाँव का जो हिस्सा जो एक्सपोज रहता है उस पर बार बार मॉइस्चराइजर लगाएं। ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ जिनका स्किन अभी से ड्राई है। इसके अलावा अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो। टोनर को दिन में 2 बार पूरे फेस पे मॉइस्चराइजर से पहले लगा सकते हैं। ये आपके स्किन के बैरियर को और इम्प्रूव कर देगा। अब होली के दिन की बात करें, जब आप होली के लिए खेलने जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? घर में हम सबके पास प्लेन नारियल तेल तो अवेलेबल रहता है, नारियल तेल लगाएं। कहाँ कहाँ लगाओगे? हेयर, स्किन और नेल, तीनों जगह। तो हेयर में आप हेड में ऑयल मसाज करो, प्लेन नारियल तेल से अच्छे से मसाज करो, बालों के एक स्ट्रैंड में लगाओ। जो महिलाएं हैं, तेल लगाने के बाद बालों को बांध लें, या तो आप जूरा कर लो या ब्रेड कर लो। फेस के लिए आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो और प्लेन नारियल तेल भी लगा सकते हो। कानों का हिस्सा जो एक्सपोज्ड है उसमें भी लगाइए, कान के पीछे वाले हिस्सों में भी लगाइए। तेल नहीं तो मॉइस्चराइजर भी आप हेड टू टो लगा सकते हो। नेल्स की बात करें तो महिलाओं के लिए आप अपने नेल्स छोटे रखें, नेल पे नेल पेंट लगा लें। नेल का जो साइड का हिस्सा होता है इसको हम लोग नेल फोल्ड कहते हैं, उसमें मॉइस्चराइजर लगा लो, या फिर वैसलीन, पेट्रोलेटम जेली, ये भी अवेलेबल है घर में, ये आप लगा लीजिए। होठों के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि आप लिप्स पे भी लिप बाम या वैसलीन पेट्रोलेटम जेली लगा लीजिए। अगर कोई लिप बाम जिसमें SPF हो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो, तो बेटर होगा। स्किन में भी मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, स्पेशली मिनरल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड, सिलिकन डाइऑक्साइड होता है, वैसा सनस्क्रीन यूज़ करने से बेटर रहेगा। होली के दिन आप रंग, आप कहीं जाओगे खेलने, आपके घर में लोग आएंगे, बहुत देर तक आप धूप में रहोगे, तो उस टाइम सनस्क्रीन लगाने से आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगा। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जब आप रंग खेल लें तो बहुत देर तक धूप में ना बैठें, कोशिश करें कि या तो आप शेड में चले जाएं या फिर आप बाथ ले लें। अब आपने रंग खेल लिया, अब आपको रंगों को उतारना है, तो क्या करोगे? तो कई लोग क्या करते हैं कि हार्श डिटर्जेंट, हार्श बार यूज़ करते हैं, जो कि स्किन को और रफ कर देता है, स्किन को डैमेज पहुंचाता है। तो आप पहले क्या करें, एक हल्का बाथ ले लें पानी से, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के स्किन को क्लीन करने की कोशिश करें। जितना गया गया, उसके बाद एक माइल्ड डिटर्जेंट, माइल्ड सोप या माइल्ड फोमिंग बाथ ले लीजिए। हम शार जेल अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि डव, आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्किन के लिए काफ़ी माइल्ड है। उससे बाथ लेने के बाद जितना कलर गया गया, उसके बाद जो रह गया उसकी चिंता ना करें, क्योंकि दूसरे तीसरे बाथ में तो वो चला ही जाना है। बाथ लेने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें, तो वो आप फेस टू टो आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर तकलीफ रह जाए, कई पेशेंट होली के बाद हम स्किन क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो रेडनेस लेके आते हैं, इचिंग लेके आते हैं, जलन लेके आते हैं, तो ऐसे में क्या करो आप, आपके पास आइस है तो, या कोल्ड वाटर है, उसका आप बार बार कोल्ड वाटर कंप्रेस ले लीजिए। सूती कपड़े को पानी में भिंगो के, ठंडे पानी में भिंगो के इफेक्टेड एरिया पे बार बार लगाएं। इससे भी ठीक नहीं होता है तो घर में कैलामाइन लोशन होता है, आप वो लगा के देख सकते हैं।
इन सब के बावजूद अगर रेडनेस, इचिंग परसिस्ट करता है या किसी भी तरह का इरिटेशन परसिस्ट करता है, तो अपने नज़दीकी स्किन के डॉक्टर को जाके जरूर मिले। कई लोगों को होली खेलने के बाद रंगों को लेकर कील मुहासे चेहरे पर आने शुरू हो जाते हैं, कील मुहासों से कोई बचने का कोई उपाय होगा? देखिए, बचने का तो उपाय नहीं है, वही एक तो जब आप चाहते हो खेलने से पहले, तो जो पेशेंट एक्ने प्रोन है, जिनको मुहासे ऐसे भी रेगुलरली हो जाते हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र या फिर नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र लगाएं, जो कि आपके स्किन के डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ हो। और नहाने के जब आप क्लीन कर रहे हो कलर्स को, तब आप स्क्रब ना करें। स्क्रब में जो एक्ने प्रोन पेशेंट को, तो मैं रेगुलरली एडवाइज में मना करती हूँ, और ऐसे भी मैं जो होली खेलने के बाद में हर लोगों को मैं मना करना चाहूँगी कि आप लोग कलर्स हटाने के लिए स्क्रब यूज़ करते हैं, वो स्किन को बहुत डैमेज पहुँचाता है। तो कलर्ड स्किन में तो बिल्कुल भी आप स्क्रब यूज़ ना करें, वो नहीं यूज़ करने से भी आपके एक्ने ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन उपायों को आजमा कर लोग अपने स्किन की आराम से सुरक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है, मैं जीएमसी पूर्णिया में स्किन डिपार्टमेंट में एचओडी है।